अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब अत्तर और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मैश टूल के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं कि मैश टूल क्या होता है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं ग्रेडियंट के बारे में कि ग्रेडियंट क्या होता है। सबसे पहले चले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट से। हम एक फाइल ले लेते हैं। अगर मैं इस पर एक बॉक्स क्रिएट कर दूं, और अभी इसका वाइट कलर है, और अगर मैं इसको ग्रेडियंट दे दूं तो ये कुछ इस तरह होता है। इस पर मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ से मैं इसको येलो कर देता हूँ, और एक सेंटर में इसकी एक और लेयर लेके इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, और इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। ये कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। अब यहाँ ग्रेडियंट में जाकर आप इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप चाहें इसको ज़्यादा कम करें या जो भी आपको करना हो। और यहाँ से भी आप इसको छेड़ के कुछ इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको अभी बताऊंगा मैश पे, वो एक बहुत ज़बरदस्त तरीका, बहुत ही एक अच्छा टूल है मैश का। मैश से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ। मैश में एक ये पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, ये देखें, ये कलर के साथ अंदर एक मैश डला हुआ है जिसमें वाइट ग्लोनेस आ रही है और आपको एक 3D लुक दे रहा है। मतलब मैश का जो काम है वो है 3D लुक दे देना, उसको शेडोज देना, उसकी लाइट्स देना। नीचे भी एक देखें आप, शेडो क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा, और एक और मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, जैसे कि ये पिक्चर। इसमें भी जिस तरह कलर यूज़ किया गया है, मैश के ज़रिए यूज़ किया गया है कलर। ग्रेडियंट का मैंने आपको बता दिया ग्रेडियंट किस तरह। ग्रेडियंट पे कभी भी ये कलर नहीं आ सकता, ये मैश पे ही आएगा। कैसे आएगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इलस्ट्रेटर खोल लेते हैं, ये अभी मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। अगर मैं एक राउंड क्रिएट कर लूँ, सर्कल क्रिएट कर लूँ, और इसका मैं कलर अभी फिलहाल ग्रे कलर दे देता हूँ, या मैं रेड कलर दे देता हूँ, और मैं इस पर मैश क्रिएट करूं, एक सेंटर में इसका मैं एक मैश ले लूंगा, और यहां से एक, दो, तीन, और ये चार, एक यहां मैश। अच्छा, ये देखें, ये इसने डबल लाइन बना दी। इसका खास ख्याल रखना है कंट्रोल जेड, इसकी लाइन पर ही मैश क्रिएट करना है, ताकि ये एक ही लाइन क्रिएट करे, वरना ये दो लाइनें क्रिएट कर देगा। अब इसका तरीका क्या है, ये हमारा मैश, हमने इसकी सेगमेंट सारी दे दी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाना है, इसके एंकर पॉइंट को क्लिक रखना है, और यहाँ से कलर को हमने वाइट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से देखें, ये आपका एक शेड दे दिया, इसने लाइट शेडो दे दी। अब हम चाह रहे हैं इसका नीचे का एक हमारा शेडो आ जाए, तो शेडो आएगा किस तरह। हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, और इसको हम सेंड टू बैक। तो ये कुछ इस तरह से लाइट का शेड यहाँ पड़ रहा है, और इसकी रिफ्लेक्शन नीचे हो रही है। इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसकी ओपेसिटी को अभी आप खेल सकते हैं जिस तरह भी, कुछ इस तरह। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। ये फ्रूट वगैरह तो मैं नहीं बनाऊंगा, काफ़ी आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं इसके ऊपर। मैं एक फ्लैग क्रिएट करूँगा, एक फ्लैग के लिए हम वो ले लेते हैं, एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस पे हम मैश देंगे सेंटर पे एक, सॉरी, अगर हम सेंटर हम तो फ्रंट पे एक सबसे पहले देते हैं। इस पे क्या है कि हम इसके अंदर, हमने जैसे ये मैश दे दिया, हम इसके अंदर डार्क ग्रीन कलर पुट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। एक और मैश दे देते हैं जो कि ठीक इसके नीचे होगा, और उसको हम दे देंगे वाइट। एक और मैश जो कि डार्क ग्रीन, और इस तरह हम काफ़ी मैश देते जाएंगे जो कि एक ग्रीन और एक वाइट पे होगा। अभी देखें इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो दोस्तों देखें, ये एक हमारा मैश बन चुका है। एक और मैश हम इसके ऊपर वाली उसमें दे देते हैं वाइट कलर का, ठीक है। ये कुछ कंटेंट टाइप आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमें किस तरह का फ्लैग चाहिए, जैसे अपने थंबनेल में देखा वेवी फ्लैग चाहिए कि उसमें जैसे कि वेव्स आई हुई हों, तो ये किस तरह होगा। इसके अंदर आप एक
विथ टूल में जब जाएंगे ना, तो ये विथ टूल पे हुआ होता है नॉर्मली, ये इस तरह नज़र आ रहा होता है। इसको आप जब सेलेक्ट करके रखेंगे, क्लिक करेंगे, तो इसमें एक ऑप्शन है वार्प टूल का। वार्प टूल को आप जब क्लिक करके होल्ड करके इसको मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको वेव टाइप सा बना दें, जैसे कि कुछ ऐसे, और जैसे भी आप चाहें इसको आप बना लें। और एक फ्लैग मैंने यहाँ गूगल पे बनाया हुआ है, गूगल से उठाया हुआ है, इसको कॉपी करके कंट्रोल वी। ओह, साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा है, इसके साइज़ को हम कम कर लेते हैं। अच्छा, इसको सेंड टू बैक, इसके बैक पे लेके जाना है, और इसको इसके साइज में हम ले आते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी का आपको टूल नज़र आ रहा होगा। इसको आप विंडो के पैनल में भी, अगर नहीं खुला तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, इसका चेक लगा के। अब हमने इसको नॉर्मल से मल्टीप्लाई पे करना है। अब आप देख सकते हैं आपको कुछ वेव्स टाइप नज़र आ रही होंगी। अब फिलहाल तो इलस्ट्रेटर पर हमारा इतना ही काम होता है। अब हम फोटोशॉप पे इस प्रोजेक्ट को ले जाते हैं, इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं फ्लैग पे। अभी फ़िलहाल मैंने पहले से एक बनाया हुआ था, तो मैं उसी पे सेव कर देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने एआई की फ़ाइल पे ही सेव कर दिया, फोटोशॉप में अपना खोल लेता हूँ। आप चाहें तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में जाकर किसी भी उसमें, सॉरी, एक्सपोर्ट में जाके आप जेपैक, PSD, PNG, टारगाई और टिफ, किसी भी फाइल में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी ये फ़िलहाल फोटोशॉप हमारा खुल चुका है। एक हम अभी कोई भी साइज ले लेते हैं। अब हमने बोर्ड ले लिया, ठीक है। हम डेस्कटॉप पे हमारी जो फ्लैग की जो फाइल है इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो वैसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ड्रैग कर दी है और ये कुछ इस तरह आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके जो हमारे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल है, इसमें से हमने एक बॉक्स टाइप सेलेक्ट करना है, और इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और कॉपी बन जाती है। जो ये वाली देखें, जैसे एक कॉपी बन चुकी है, पुरानी वाली को हम डिलीट कर देते हैं, और ये हमारे पास एक फ्लैग नुमा तैयार हो चुका है। अब इसको फ्लैग में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा कि आपको वेवी फ्लैग्स लगे तो उसमें क्या करेंगे, आप रैप में जा कर के इसको यहाँ से कुछ इस तरह से कर सकते हैं, और ये कुछ इस तरह। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये क्लास भी पसंद आई होगी, और अगर लेसन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहे। खुदा हाफिज़।